मौर्या का कंक्लूडिंग स्पीच जो देना है उसमें मैंने तीन बातें आपको कम्युनिकेट करने का सोचा है। आई वांटेड टू कम्युनिकेट थ्री थिंग्स विद यू। नंबर वन, जो मैंने मौर्या के पहले दिन पर आपको कंबा रामायण से पर्टिकुलर एपिसोड, उसी को मैं आज सवेरे जब यहाँ के पिलर्स का मीटिंग ले रहा था तो मैं उस पार्ट मैंने ये बताया कि जब रामा का रूप लिया तो एट दैट टाइम ही फॉरगॉट ऑल द ट्रेड्स ऑफ रावण। यानी रावण का जितने भी कैरेक्टर थे वो भूल गया और रामा वाला कैरेक्टर उसमें आ गया। तो यही उनको बताया कि जो भी आपका पहला पुराना रूप था वो भूल जाओ, अभी आपने एसकेसी का रूप धारण किया है, एसकेसी का रूप लेने के बाद अब वो हर चीज चलेगा। तो पहले ने देखा होगा कि फर्स्ट डे इंक्लूडिंग एनुअल डे आई एंश्योर्ड, एनुअल डे जो चालू हुआ था आपका तो टाइमिंग शायद 6 बजे का था, 6 बजे ऑडियंस में 5-6 लोग थे। मुझे पूछा गया सर क्या करो, बोला क्या करोगे शुरू हो जाओ, बोले सर ऑडियंस नहीं है, बोला डजंट मैटर, बोला सर हम तो रुकते हैं, मेरा कोई रुकने की जरूरत नहीं है, टाइम 6 बजे का दिया है, अगर 4 पेरेंट है उनकी गलती क्या है कि वो टाइम पर आए, अगर आप टाइम पर शुरू नहीं करते हो वो 4 भी अगले बार लेट आएंगे, और टाइम पर शुरू करते हैं बाकी 900 जो लेट आ रहे हैं अगले बार टाइम पर आएंगे। इसलिए अगले पिछला 3 दिन देखे होंगे शाम को 5 बजे मतलब फर्स्ट डे 10 मिनट से लेट एकदम स्टार्ट एट 5, कल भी मैंने बोला 5 बजे, आज मैंने आज देखो सब पेरेंट्स 2:15 बजे बच्चे आ चुके थे। Every event and SKC will begin on time. तो बोले पुराना रूप सर हम वेट करते हैं चीफ गेस्ट का, हर फंक्शन में चीफ गेस्ट आता है फिर हम फोन करते हैं। We are a child centric school. Child centric मतलब हमारा केंद्र फोकस बच्चा है, हम नहीं मानते हैं कोई चीफ गेस्ट आए और बच्चा यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटा ग्रीन रूम में वेट करे ताकि चीफ गेस्ट आने के बाद फंक्शन चालू करे। वो मेरा सेंटर है, उसको तकलीफ लिस्ट होना चाहिए, वो तैयारी कर रहे स्टेज में आने के लिए, तो फंक्शन शुरू होगा, हम कोई भी चीफ गेस्ट को वेट नहीं करेंगे, ऐसा मैंने इनको बता के चला। दैट इज द रूल ऑफ एसकेसी। एग्जैक्ट कन्वोकेशन इज वन पेरेंट्स कन्वोकेशन टेंशन कन्वोकेशन कन्वोकेशन आपने देखा होगा वी कॉल द एसपी सुप्रीम ऑफ पुलिस। तो हम चीफ गेस्ट को बोलते हैं नंबर वन शुरुआत से एंड तक आपको बैठना है, 2 यूनिफॉर्म पहन के आना है, 3 टाइम पे आना है, अगर नहीं कोई बात नहीं मेरा चीफ गेस्ट नहीं है तो आप ही मेरे चीफ गेस्ट हो, आप बच्चा हर बच्चा मेरा चीफ गेस्ट। दैट इज द रूल ऑफ एसकेसी। मैंने बोलता हूं कि आप पहला रावण रूप का या राम ये है, उल्टा वैसा बोलने जाऊं तो बहुत सारे अच्छाइयां रावण में थी, बहुत सारा बुराइयां भी राम में थी, लेकिन जो नया रूप धारण किया है तो हर चीज एसकेसी की स्टाइल होगा, और वन ऑफ देम इज चाइल्ड सेंट्रिक स्कूल एंड वन ऑफ देम इज स्टार्ट एवरीथिंग ऑन टाइम। तो लेट द मैसेज गो आउट। मेरे पास यहां पर 350 बच्चों के पेरेंट्स तो नहीं है, 50-60 है काफी है, यही 50-60 बाहर जाके बोलेंगे टाइम पर जाओ वरना आपका बच्चे का इवेंट मिस हो जाएगा। अच्छा लगा तो ताली बजाओ। पेपर में आता है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी लिखने आता, तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का आत्मकथा लिखने आता, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का आत्मकथा लिखने को आता, और तालाब में नीचे जो इतने सारे गणेश गणपति को हम विसर्जन करते हैं वो जो पीओपी नीचे है वो आत्मकथा लिखता तो कैसे लिखता? तो वहां तो बहुत सारा पीओपी है, वहां वाला गणपति का भी वहां विसर्जन हुआ है, यहां वाला भी है, वहां हमारा गणेश भी वहां विसर्जन होगा। ये जो हमारा गणेश है ये कॉलर टाइट करके बोलेगा जहां मैं बैठा था वहां पर मेरे सामने 7 दिन कंटिन्यूस बच्चे नाच रहे थे, गा रहे थे, टैलेंट का टैलेंट बाहर आ रहा था और मेरा 7 दिन मेरा जीवन साकार हो गया। मेरा गणेश पूरे तालाब में जितने पीओपी है सबसे प्राउड पीओपी ये होगा, क्योंकि वो बोलेगा मेरे सामने जो हुआ वो एकदम मस्त, यू नो एवरीबॉडी परफॉर्म, मुझे लाकर कोने में रखा ऐसा नहीं। आई वाज टॉकिंग टू द टीचर्स, बोले कि गणेश पहली बार उत्सव नहीं हो रहा है, बहुत बार उत्सव हुआ है, कितने साल से हो रहा है? 5-7 ईयर्स हो रहा है।
तो बोले कि बोला क्या करते हैं, तो बोला कि ये हम गाते हैं और आरती मॉर्निंग में होता है या तो एंड देन शाम विसर्जन क्या होता है। जैसे विसर्जन हमारे तीन चार जो हमारे सब स्टाफ हैं या बस अटेंडेंट है वो रेडी करके आते हैं, मतलब वो हुआ पुराना रूप। हमारे रूप में इसके विसर्जन मोरिया करना है तो मोरिया ये स्टाइल में होगा। तो ये जो स्टाइल आप देख रहे हो, दिस इज अ स्टाइल ऑफ एसके सिटी टू मोरिया। अभी हमने ढूंढा हर पैरेंट में टैलेंट, कितने सारे पैरेंट्स हैं जितने टैलेंट है, ऐसे टैलेंट जब ढूंढेंगे तो हम आपको भी अगले साल मौका देंगे। इनकी नॉट नेसेसरी हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, मौका देंगे। आओ बच्चों पर यूज योर इन्फ्लुएंस टू टीच देम दैट। किसी को ड्राइंग अच्छी तरह आता है, वो टीचर ने जो रंगोली किया था वो अस्टाउंडेड टू सी द रंगोली इन द प्लेट। नॉर्मली वो क्या पढ़ाती है टीचर, इंग्लिश पढ़ाती है। किसी को पता ही नहीं है कि ऐसे तेल के नीचे रंगोली सा, या कोई पेरेंट सो मेनी रंगोली अवार्ड्स, सम ऑफ सो मार्वेलस। ये बच्चों को वो सारे टैलेंट लाइफ प्रिपरेशन बोलते हैं। हम मानते हैं स्कूल एजुकेशन इज नथिंग बट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए तैयार करना, नहीं कि उसको ज्योग्राफी हिस्ट्री इंग्लिश में तैयार करना। बच्चे को स्कूल एजुकेशन तो 10-12 साल होता है, उसके अंदर जिंदगी को तैयार करना है। और जब ये जो काम है हमारा पार्टनरशिप है पेरेंट एंड टीचर, तो ये जो मोरिया होता है टू आइडेंटिफाई कौन है वो पेरेंट्स जो कंसर्न्ड है, बॉदर्ड है और हमारे साथ मिलकर चल सकते हैं, ताकि हमारा मकसद जो है बच्चों को लाइफ में तैयार करना हम साथ में हासिल कर सके। हम काफी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। Now I know my teachers more, my teachers know my parents more, and we are connected now. Are we not connected? We are connected better way. So this is the SKC style and the message number 2. And mera Ganesh proud rahega. Agla saal bhi aap tarang ke niche kaam laage sunoge to hamara Ganesh bolega, agar mujhe Ganpati banke dobara life mein aana hai to mujhe SKC mein le jao, aur wahi rakho to hi main rahunga Ganesh. छोटी सी कहानी बोलना चाहूंगा। कैन आई टेल यू अ स्टोरी? स्टोरी पसंद है? कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, 1945-46 वर्ल्ड वॉर हुआ था। एक साइड में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, एक साइड में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, दो पार्ट में वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया पूरी तरह। जर्मनी पूरी तरह हारा, और इनफैक्ट हराया गया जर्मनी को, जीत रहा था, हराया गया क्योंकि यूएस अंदर आ गया था। एंड है ना, यूएस को बचाना था इंग्लैंड फ्रांस को, तो बचाने के चक्कर में जर्मनी को हरा दिया और पूरी तरह हारा। जर्मनी वॉज टोटली अटैक। तो जर्मनी में एक हीरो था, उसका नाम था हिटलर। हिटलर वाज नर्सिंग हिज फीलिंग, मेरे मातृभूमि को हराया गया है पूरी तरह से, इसलिए ही पूरे पब्लिक को इकट्ठा करके, ही वाज अ पब्लिक फिगर, अपने देश को वर्ल्ड वॉर टू की तरफ ले गया। वर्ल्ड वॉर टू हुआ, वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर हीरो था। उसका एक छोटा एपिसोड बोलना चाहूंगा जो सच्चाई है, इतिहास के बुक में काफी जगह नहीं लिखी गई है। आज मैं यहाँ इतिहास बंदों में से एक छोटा सा चीज, हिंदी अच्छी नहीं है बट समझ में आई कहानी। हिटलर जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब एक बॉर्डर इलाके में फाइट हो रहा था, सामने बहुत ठंडी इलाका है, तो रशियन टीम और बाकी फ्रांस के टीम से अटैक जहां से हो रहा है बॉर्डर इलाका, हिटलर बोला अभी शांति चल रही है वहां जाके हम अटैक करेंगे। हिटलर एक 2000 लोगों को बॉर्डर इलाके में ले गया। जब बॉर्डर इलाके ले गया कि वहां के लोगों को अटैक करेंगे बॉर्डर में, तो हमारा ख्याल के बॉर्डर था पाकिस्तान से, वो बॉर्डर इलाके में गया, ठंडी इलाका है, आइस है, तो वहां पर बोला कोई नहीं है, कुछ सोल्जर बच्चे मारेंगे बोल के हिटलर खुद गया वहां पर। जब हिटलर वहां पहुंच गया, मैसेज वहां मिल गया था उनको कि हिटलर यहां आया हुआ है, चलो ये मेन सेनापति इसको मार देंगे। तो रशियन और फ्रांस के आउटनंबर्ड हो गए, ये लोग थे 2000, वो 10,000 लोग इकट्ठा हो गए और चारों तरफ से अटैक करने लगे, ऊपर से नीचे एडवांटेज पोजीशन में थे, अटैक करने लगे। अब हिटलर को जान का खतरा था, बट वो वाज वेरी स्मार्ट। उसने अपने फौज, अपने लोगों को बोला भाग जाओ,
अब लड़के मतलब नहीं है, पहले भाग जाओ, बाद में देखते हैं। सब भागे यहां वहां, हिटलर भी भागा, अपने आप को जान बचाने के लिए भागा और भागकर एक टेलर के दुकान में जाके छुपा। यू नो टेलर, आजकल टेलर की दुकान में जाओगे तो कपड़े का टुकड़ा मिलता है, हम क्या बोलते हैं, चिंदी बोलते हैं ना उसको। वहां पर फर क्लोथिंग होता है, फर, फर क्लोथिंग, लाइक जींस शॉप में जींस क्लोथिंग होता है। वहां पर ठंडा इलाका है, फर के क्लोथिंग से बड़े बड़े कारपेट थे। वो टेलर के दुकान में घुसा और टेलर के दुकान में टेलर ने हिटलर को देखते ही हिलने लग गया एकदम। हिटलर को देखते ही वो कॉफ था उसका, डर था लोगों को, वो छुप गया कारपेट के नीचे। और छुपने से पहले वो टेलर को बोलता है, कोई भी आया तो पता नहीं कि मैं इधर। सब जानते हैं हिटलर का हाइट बहुत कम था, 4 फुट कुछ नहीं। अंदर गया, कारपेट के नीचे छुप गया, 10-12 कारपेट पड़े थे, नीचे छुप गया छुपने से। और टेलर को वार्न किया, बोलना नहीं कि मैं इधर हूं, छुपा। अब कुछ मिनटों में रशियन ट्रूप्स गन लेके अंदर आए, सब दुकानों में ढूंढ रहे थे कि कहीं तुम हिटलर है, ढूंढो इसको। उनको सेना में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको हिटलर को ढूंढ के मारना था। और टेलर की दुकान में जब आए, कम से कम 5 सैनिक आए और एक सरदार आए ढूंढने के लिए, छोटा सा दुकान। तो वो जो मेन जो सरदार था ऊपर रशिया का, उसने गन, पता है गन होता है और गन के अंदर चाकू होता है ऐसा, और चाकू यहां रख के पूछा टेलर को, हे वो इधर आया था क्या? अब इसका नजर कारपेट की तरफ है और यहाँ पर चाकू रखा है गन का, और बाकी सैनिक लोग जो है वो कारपेट पर चढ़ गए और ढूंढने के लिए गन से ऐसे ऐसे गन मार रहे थे। वो चाकू कारपेट के अंदर जा, 10-12 अंदर मार रहे थे, नीचे था हिटलर, ऊपर चढ़ के वो चाकू घुसा रहे थे गन से। तो कभी चाकू यहाँ आ रहा है, कभी चाकू यहाँ आ रहा है, कभी चाकू यहाँ आ रहा है, और हिटलर बच रहा है। अगर जरा भी टच होता है ब्लड आएगा, पता चलेगा हिटलर यहाँ है और पूरा वॉर खत्म। जब वो 5 जन करके चाकू घुसा रहे हैं, यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, छोटी दुकान थी, 2-3 मिनट ढूंढे, बोले सर यहाँ कुछ नहीं। तो वो जो मेन था उसने ऐसा चाकू खींच दिया टेलर को और यहाँ कट हो गया। बोला बोलने का ना टाइम वेस्ट क्यों किया, मतलब उसके दुकान में। टेलर पूरा कांप रहा है, कांप रहा है कि अगर पता चल जाता कि हिटलर है तो वो लोग हिटलर के साथ इसको मारते, पता नहीं चला, बोल देता हिटलर वहां पर है, हिटलर बाहर निकाल के इसको मारेगा। तो दोनों साइड से पिसा हुआ है, लेकिन बच गया, हिटलर मिला नहीं, मेहनत निकल गए। अब ये हिल रहा है, ऐसा कांप रहा है, क्या होगा। उतने में हिटलर के जो लोग गए थे 2000, वो इकट्ठा हो गए और अपने ट्रूप्स को बुला लिया और चारों तरफ से वॉर हो गया और 10,000 को खुद को मार के भगा दिया। हे हिटलर बोल के आवाज कर रहे थे। हिटलर को पता चला कि अब मेरे ट्रूप आ गया, आधा घंटा के अंदर था, आधा घंटे बाद बाहर निकला। जब बाहर निकला उसके सैनिक जो आगे उसको बचा करके निकाले, जब निकल रहा था वो टेलर, अभी ध्यान सुनना, टेलर ने हिम्मत से हिम्मत जुड़ा करके 4 शब्द बोल पाया। ऐसे हिटलर के सामने मुंह नहीं खुलता किसी का, मुंह खोल के उसने बोला, सर कैसे लगा वहां पर, बहुत खतरनाक लगा होगा ना जब वो कर रहे थे, जब वो ऐसे ऐसे चाकू घुसा रहे थे, बहुत खतरनाक लगा रहेगा ना, हाउ डिड इट फील, कैसे फील हुआ। ऐसा बोलते बोलते पूछा हिटलर ने अपने सैनिक को, बोला अरेस्ट हिम, टेलर को अरेस्ट करो। इसका मुंह बंद, अंदर से गाली दे रहा है, बहुत चॉइसेस गाली दे रहा है, एक तो मैं तेरी जान बचाया, मैं चाहता था उस सैनिक को बोलता तू इधर है तो मर जाता, और मैंने तुझे बचाने के बदले में तुम मुझे बोलते अरेस्ट करो। असल अरेस्ट नहीं बोला हिटलर ने, तुरंत बोला इसको काल कोठरी में डाल दिया जाए, डंजन में डाल दिया जाए, अंधेरे रूम में डाल दिया जाए, और शाम को हम इसको खत्म करेंगे। टेलर को काल कोठरी में डालते हैं अंधेरे रूम में, शाम को जो टाइम बोला गया उस टाइम पर उसको लाते हैं, सर पर काला कपड़ा डालते हैं, काला कपड़ा, पता है फांसी देने के पहले काला कपड़ा डालते हैं, हिंदी पिक्चर में देखा होगा, काला कपड़ा डालते हैं और ऐसे एक चेयर पर बिठाते हैं, सामने 10 सैनिक बैठे हुए गन लेके, हिटलर भी बैठा हुआ है, टेलर कांप रहा है, पैर हिली हुई है, उसको पता है कुछ मिनटों में अब मेरा ये सब गन की गोलियां मेरे बॉडी में आएगा, लेकिन अब मुंह नहीं खोल रहा है, क्यों मुंह खोलेगा तो 10 मिनट की एक्स्ट्रा सांसें और भी नहीं मिलेगी। काला कपड़ा डाल दिया गया और वहां पर 10 गन है और कोई आदमी वहां चला रहे, अरे वाह कैसे काउंट चलो, 10, 9, 8 और एक कांप रहा है, 7, 6, 5 सारे गन तांते हैं, सब गन की आवाज आ रहा है, अभी गन ताना है कि अभी गोलियां, 4 उसको पता है अब 3 और काउंट होगा और गोलियां चलेगी और सारे बॉडी में गोलियां लगने वाली है।
गाली आ रहा है भगवान को, भगवान क्यों, मेरे तो जान बचाई है, उसके बदले में मुझे क्यों मारा जा रहा है, उसको कम से इतना तो बोल के मारो, बनता है ना। हिटलर ने दो और एक बोलने के पहले कपड़ा निकाल देते हैं, कपड़ा निकालने के बाद में एक सुंदर सी कन्या आती है, एक ट्रे लेके आती है और ट्रे लाकर उसके अंदर सुनहरे गोल्ड ऐसे कॉइन्स है बहुत सारे। हिटलर पास में आता है, इसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, खड़ा करता है, बोलते मेरे दोस्त ये कॉइन्स है, तेरी जिंदगी भर के लिए बस हो जाएगी, ये रखना। बोलते वो क्या था, तो अभी भी वो क्या था, बोलते देखो तू तो बहुत मेरा दोस्त अजीज दोस्त है, तूने मेरी जान बचाई है, तूने पता नहीं, तूने तुझे नहीं पता कि पूरे देश पर तूने कितना बड़ा एहसान किया है जान बचा करके, तू चाहता तो बोल सकता था कि तू यहाँ पर हिटलर है, तूने नहीं बोला जान बचाई है और इस रीजन के लिए मैं तुझे दे रहा हूं ये। फिर वो बोला कि तूने मुझे बदले में सोना नहीं मांगा, तूने बदले में मुझे सिर्फ, तूने कोई रिवॉर्ड नहीं मांगा, तूने सिर्फ एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा, आपको वहां कैसे लगा, हाउ डिड इट फील देयर, कैसे लगा पूछा। मेरे दोस्त मेरे पास शब्द नहीं थे उत्तर देने के लिए, शब्द नहीं थे, मुझे वैसे ही लगा जैसा तुझे अभी लगा, जहां वहां बैठे बैठे जब गन आ रहा था मुझे बिल्कुल वैसे लगा जब 10 से गिनती हो रही थी, जब मौत मेरे ऊपर थी वो मैं शब्दों में बता नहीं सकता था, मेरे दोस्त वैसे ही लगा जैसे सवेरे से तुझे लगा बिल्कुल। ये कहानी मैं भी क्यों बता रहा हूं, बाहर जो 350 पैरामीटर नहीं आए उनको कभी भी हम सब में नहीं बता सकते हैं कि आप जो यहां पर 3 दिन आए आपको कैसे लगा, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, इसके लिए उनको आना पड़ेगा और ये चीज दौरा के देखना पड़ेगा, ये जो पार्टिसिपेट करके जो आनंद मिलता है वो हाउ इट फील्स है, इसका कोई उत्तर बाहर के पेरेंट्स को हम दे नहीं सकते हैं। राइट, इट फील्स एग्जैक्टली द वे यू फील बाय पार्टिसिपेट। आप यहाँ पर आए, जब आपने प्रैक्टिस किया घर पे रंगोली बनाना है या है पार्टिसिपेशन फॉर्म भरा और यहाँ के आपने स्टेज में गाना गाया नाचा या ड्राइंग किया या म्यूजिक बनाया, वो कैसे फील करते हैं पेरेंट, वो कोई हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। उनको यहाँ आना होगा, यहाँ का फिर से पार्ट लेना होगा, नहीं तो वो कभी भी जान नहीं पाएंगे कि हमारे जो पेरेंट्स यहाँ पर है उनको कैसे है। ये है हमारा मैसेज नंबर 3 और आखिरी मैसेज। एक बार आप सबको गणेश उत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आई विश ऑल ऑफ यू हैप्पी गणेश उत्सव। 7 दिन हमने यहां मनाया, उस मेरे बाकी कैंपस में भी होता है तो कहीं पर 1.5 दिन कहीं 2.5 दिन, तो उसके बाद यहां पर हम 5वें दिन, इसलिए आपको आखिरी 5-6-7 डे रखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहां पर यहाँ रहकर मेरे टीम के साथ में, पूरा टीम परिवार के साथ में 3 दिन रहने में अच्छा लगा। कुछ और 1-2 घंटा बाकी है, I'll be there और यहां से वेशल साथ में मिलके आइए कि अच्छा परिवार बनाते हैं, पर्पस पर परिवार बनाते हैं। हमारे लिए स्कूल एक बिजनेस नहीं है, स्कूल एक बिजनेस नहीं है, SKC मेरा बिजनेस नहीं है, SKC मेरा सपना है और मेरा सपना सपना है। आइए साथ में मिलकर इस सपना को साकार बनाते हैं। थैंक यू सो मच।